अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ डॉक्टर गुलकरीम और आज बात करूँगा एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और वो ऑर्गेनाइजेशन है APDA, ऑल पाकिस्तान डॉक्टर एसोसिएशन। ऑल पाकिस्तान डॉक्टर एसोसिएशन एक तंजीम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 2 सालों से मेडिकल के शोबे में काम कर रहा है, जिसका चेयरमैन डॉक्टर कुर्बान अली डेरी साहब। डॉक्टर कुर्बान अली डेरी साहब किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। डॉक्टर कुर्बान अली साहब SK अल्ट्रासाउंड इंस्टीट्यूट का प्रिंसिपल, APDA का चेयरमैन अल्ट्रासाउंड, और इसके साथ डायबिटिक स्पेशलिस्ट है, और इस तंजीम का रोहे रवा जनरल सेक्रेटरी जनाब डॉक्टर अब्दुलरजाक जुम्मा साहब, प्लान सेक्रेटरी और ड्रिल इंस्ट्रक्टर डॉक्टर शमाइला रजा। कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम हुआ डॉक्टर ईसा लिबार्ट्री नॉर्थ नाजिमाबाद में, जिसमें APDA डिस्ट्रिक्ट साउथ जोन की प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर इनायत खान न्याजी साहब ने डाइजेस्टिव सिस्टम एंड होम्योपैथी के ऊपर एक जामे लेक्चर। प्रोग्राम में दीगर अजला के साथ साथ पूरी कराची डिवीज़न के APDA के लोगों ने शिरकत की और इस प्रोग्राम को सराहा भी। CME की सीज़न में बहुत सारे डॉक्टर लेक्चर देते हैं। डॉक्टर इनायत खान न्याजी साहब की इस लेक्चर की चीदा चीदा नुकात हमने अपने कैमरे के आंख से महफूज कराए। आइए आपको भी इस लेक्चर का वो चीदा चीदा नुकात सुनाते हैं। इस प्रोग्राम का आगाज़ बाकायदा तौर पे कुरान पाक की तिलावत से की गई, और इसी प्रोग्राम में नेशनल एंथम के लिए सारे एहतरामन खड़े हो गए, और नेशनल एंथम के बाद फिर डॉक्टर इनायत साहब ने स्पीच कर ली। बाकायदा तौर पे स्पीच का आगाज़ इनायत साहब ने की, और इसी स्पीच को आगे आपको सुनवाते। आए हमारे साथ सुने, जज़ाकअल्लाह। हैं मेरे साझा कराम भी बैठे हुए हैं, और मेरे जूनियर डॉक्टर भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, और कुछ स्टूडेंट मेरे साथी भी हैं, कुलीग भी। सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा टाइम हमें दिया। और आज ज़ाहिर है एक दूसरा प्रोग्राम भी था, बहुत बड़ा प्रोग्राम था होम्योपैथिक का, उसमें भी आप लोग इन्वाइट थे, तो उससे निकल के आप लोग आए, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और यकीनन इंशाल्लाह यहाँ बैठते हुए आप लोगों को तालीमी लिहाज से जो थोड़ा बहुत हमारे पास है आपको बहुत फ़ायदा होगा। और देखेंगे सीखने सिखाने का अमल चलता रहेगा, माँ की गोद से लेकर लाद तक, कब्र की लाद तक, ये जो है ना तालीमी जो चलता रहता है सेशन, तो उसमें एक सेशन है ये भी
इसको अभी हम स्टार्ट करते हैं बाकायदा। ये डॉक्टर ईसा लैब वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें मौका दिया इस प्रोग्राम को करने का, यहाँ पे स्पेस दिया, प्लेस दिया और हमारी हौसला अफजाई की उन्होंने। प्रोग्राम के दौरान डॉक्टर इनायत साहब ने अपने चेयरमैन डॉक्टर कुर्बान अली का शुक्रिया। और उसका काम क्या है? द ओपनिंग इन द लोअर पार्ट ऑफ द ह्यूमन फेस सराउंडेड बाई द लिप्स थ्रू विच फूड इज टेकन इन एंड फ्रॉम विच स्पीच एंड अदर साउंड आर इमिटेड। ये कहता है कि मुंह जो है हमारे खाने के काम आता है, उसके बाद सराउंडिंग कुछ इसके जो है ना लिप्स के सराउंड है और साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। और अब हम देख रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को, अब इसमें नेक्स्ट पार्ट कौन सा आएगा? फूड पार्ट, जिसमें फूड जो है ना पास होके स्टमक में आती है। अब हम देखते हैं स्टमक। द स्टमक इज ए मस्कुलर ऑर्गन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, इट ब्रेक्स डाउन फूड थ्रू द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस, इट सर्व एज ए टेम्परेरी स्टोरेज साइट फॉर फूड बिफोर डाइजेशन। ये कहता है कि फूड के डाइजेशन से पहले जब हम फूड लेते हैं मुंह के जरिए तो सलेवरी ग्लैंड सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद एसोफेगस में आती है, एसोफेगस के बाद हमारे स्टमक में आ जाती है खुराक। अच्छा देखें, जब हम फूड ले रहे होते हैं, अब फूड यहाँ पे जब आती है उसके बाद न्यूट्रिएंट बनते हैं, न्यूट्रिशन बनती है, प्रोसेस होता है केमिकल प्रोसेस, उसके बाद ये खाया कहाँ कहाँ गया? इंटेस्टाइन, स्टमक से एसोफेगस, एसोफेगस से स्टमक, स्टमक से इंटेस्टाइन में आ गया। अब इंटेस्टाइन के बाद एनस के थ्रू पास आउट हो गया, लेकिन उस फूड का अब डिजीज कैसे बनती है? फूड तो हम वही खा रहे होते हैं, जहर बात अभी भी हम फूड खा गए हैं फरान लेने वालों की, लेकिन फूड देखें, ये हमने फूड कुछ दिखाई है। अब रमजान भी आ रहा है, रमजान में जो है ना स्टमक बिल्कुल पूरे दिन खाली होता है, उसके बाद जो है ना हम जितने भी लोग हैं सारे जो है ना शाम को अफ्तारी के बाद ऐसे फूड पे फौरन जो है ना इसकी तरफ हम मुतवज्जे होते हैं। देखिए मार्केट में ये मिलते नहीं है, लाइनों में खड़े होकर लोग ले रहे होते हैं समोसे पकौड़े, लेकिन इस फूड ने आगे जाके हमारे साथ क्या करना होता, कोई न्यूट्रिशन नहीं देनी, इसने जाके हमारी डिजीज पीजर रिफ्लेक्स इज ए क्रॉनिक कंडीशन वेयर स्टैंडिंग रेगुलरली फ्लोज बैक इनटू द लीडिंग टू सिम्टम्स सच एज रिगर्जिटेशन एंड डिस्कम्फर्ट। ये कहता है कि जब हम ऐसी खुराक लेते हैं तो गर्ड एक बीमारी है, गैस्ट्रो इसोफिगल रिफ्लेक्स डिजीज ये पैदा हो जाती है। इसमें यह है कि पेशेंट को ना खटे खटे डकार आते हैं, जो खाता है वो ऊपर आते हैं। कहते हैं एच पैलोरी एक हेलिकोबैक्टर, एक बैक्टीरिया है वो प्रोड्यूस करता है इस बीमारी को, वो इसका कारण बनता है। इट इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया दैट इन्फेक्ट द स्टोमिक लाइनिंग कॉमनली कॉजिंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इशू सच एज गैस्ट्राइटिस एंड पेप्टिक अल्सर। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जब स्टमक के अंदर इंटर हो जाता है, जब हम पानी पीते हैं कंटामिनेटेड गंदा पानी कहीं पी लेते हैं, कोई गंदी फूड खा लेते हैं तो ये उसके अंदर होता है अमूमन, और या पूरे पाकिस्तान में स्पेशली कराची में बहुत ज्यादा है। हर दो चार दस पेशेंट के बाद अगर आप सही से हिस्ट्री लेते हो, पेशेंट इन्वेस्टिगेशन आप करवाते, उसके बाद बेल्चिंग और डकार आते हैं, पेशेंट को बैठा रहेगा आपको दो चार बातें करेगा तो उसको डकार आते रहेंगे, और अनइंटेंशनल वेट लॉस, पेशेंट का जो है ना वेट भी लॉस होता रहता है उसको पता भी नहीं चलता। वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो खुराक भी अच्छी ले रहा हूँ, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन मेरा जो है वेट लॉस हो रहा है, मैं कमजोर हो रहा हूँ। ये एच पैलोरी के सिम्टम है, लॉस ऑफ एपेटाइट को कहते हैं भूख कम लगना। जैसे आज हमें भूख कम लगी हुई थी, बिल्कुल प्रोग्राम में बैठे थे भूख लगी नहीं थी, भूख का कम लगना लॉस ऑफ एपेटाइट, फीलिंग फुल क्विकली आफ्टर ईटिंग, फीलिंग फुल खाना खाते है फौरन जो है ना उसका पेट भरा भरा जैसे लगता है कि यहाँ कुछ आ गया, बहुत भर गया है। फ्रीक्वेंट बर्पिंग, बहुत ज्यादा डकार, बर्पिंग में डकार भी कहते हैं, बहुत इसको डकारें आती हैं। एसिड रिफ्लेक्स और हेडबर्न, एसिड रिफ्लेक्स पहले बता चुका हूँ कि खाना खाता है और घटा घटा बाहर निकालता है उसको, यहाँ तक आ जाता है, और हार्ट बर्निंग भी इसी को कहते हैं कि दिल की तरफ उसको जलन, यहाँ पे
हार्ट कुछ भी इसके साथ रिलेट कर दिएगा, हार्ट बर्निंग जलन होती है तो जहाँ पेशेंट कहते हैं डार्क हो जाएगा, बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। और फटीग, फटीग कहते हैं बहुत ज़्यादा थकावट, अच्छा खासा खाता पीता पानी पीता है सही होता है लेकिन बहुत थका थका हुआ जहाँ बैठेगा बस पेशेंट जो है थक जाता है, कोई काम नहीं कर सकता सही से। काम करते हैं पेशेंट, एक्सपेरियर के पेशेंट ऐसे ही चलते फिरते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेड पे पड़ जाते हैं, लेकिन जब इसकी क्रोनिक कंडीशन हो जाती है तो पेशेंट बिल्कुल बेड की तरफ चले जाते हैं, बिल्कुल बैठ जाते हैं। सिंड्रोम है ये, बहुत सारे ना मिक्सचर हो जाते हैं इसमें सिम्टम, सिंड्रोम बन जाता है। इज ए कॉमन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय द एब्डोमिनल पेन। इसमें पेशेंट को एब्डोमिनल हर टाइम पेशेंट को ना पेट में से दर्द रहेगा, पेट में डॉक्टर साहब कभी इधर दर्द होता है कभी इधर दर्द होता है, बस दर्द और गुड़गुड़ की आवाजें आती हैं पेशेंट को ना बहुत। उसके बाद आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ, लेकिन ट्रीटमेंट से पहले एक और चीज इसमें लगाना भूल गया, ये इसे नहीं लगाई, डायग्नोस्टिक, हमने उसको डायग्नोज कैसे करना है। अब डायग्नोज करने के लिए हमें ईसा लैब का सहारा चाहिए। अब देखिए ऑथेंटिक लैब है माशाल्लाह, इसके रिजल्ट बिल्कुल 100% है, मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है और आपको भी मैं दावा देता हूँ कि आप डॉक्टर ईसा लैब पे पेशेंट को रेफर करें, प्रेफर करें और इंशाल्लाह रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। देखिए हमने जितनी भी ट्रीटमेंट करनी है अगर पेशेंट को ठीक करना है तो हमें लैब टेस्ट करवाने पड़ेंगे, क्योंकि हमें क्या पता पेशेंट को सिम्टम बता रहा है सही है हमारी मेडिया मेडिका में सिम्टम है सारा। लेकिन मज़ीद अच्छे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।